कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। चंद ज्योतिया मते तुरत सो मदन को मद कंकरे श्रेयांश नाथ जिनेन्द्र त्रिभुवन बंदो आनंद कंद गे फागुन कृष्ण एकादशम दीक्षा मंगल पंडिताय श्री श्यामराजराय नमः अरिगम निर्वामदे स्वाहा। अष्टापदवादीश्वर स्वामी वास्य पूज चंपा पुरुनामी नेमिनाथ स्वामी गिरनार बंदो भाव भगति उरुधार नंग जूतरवर मुनियत कोड़ी बंदो भाव सहित कर जोरी तहत बंदोन सदीस जे बलभद्र मुकतुपे गए सुवर्ण भद्र आदि मुनिचार पावा गिरिवर शिखरि मजार चेल नारदी तीर के पास केवन डिग गोय पश्चिम दिशा कुंत गिरिशोय कुल भूषण देश भूषण नाम तिनकी चरणन करऊ प्रणाम जसरते राजा की सुत कहे देश कलिंग पाँच जय निर्वाणी कांड गुणिमाल जय निर्वाणी कांड गुणिमाल जय निर्वाणी कांड गुणिमाल। मधुवन गूंजे रे मधुवन चालो रे श्री अंशनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे मधुवन चालो रे मधुवन चालो रे मधुवन चालो रे मधुवन चालो रे श्री अंशनाथ जी के जयकारों से मधुवन गूंजे रे मधुवन चालो रे।
जे नगम में बहुत सारे महोत्सव एक साथ हैं। वैसे तो जैन धर्म में नित्य प्रति कोई ना कोई महोत्सव होता है, लेकिन दिवाली के दिन दिवाली होती है, धनतेरस के दिन धनतेरस होता है, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा होती है। लेकिन आज का दिन ऐसा दिन है कि जहाँ पर बहुत सारे महोत्सव होते हैं। पहला तो श्यामनाथ भगवान का मोक्ष कलक महोत्सव, दूसरा विष्णु कुमार आदि 700 मुनिराज का जो उपसर्ग दूर हुआ था उनका उपसर्ग निवारण, तीसरा रक्षाबंधन, और आज हमारे लिए हमारे संघ के लिए आप सबके लिए विशेष कि गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का 30वां आचार्य पदारोहण दिवस महोत्सव। महानुभाव 24 भगवान हुए और प्रत्येक तीर्थंकर ने गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक को प्राप्त करते हुए अंत में निर्वाण कल्याणक को प्राप्त किया, जिससे वह मोक्षगामी हुए और सारे के सारे लोग उनको तीर्थंकर मानकर पूजते हैं, आराधना करते हैं। जो मोक्ष जाते हैं उनकी भी आराधना होती है, लेकिन जिनके पंच कल्याणक होते हैं वही मात्र तीर्थंकर कहलाते हैं। बाकी के कितने कल्याणक होते हैं? 3 कल्याणक होते हैं। तो आज श्यामनाथ भगवान का मोक्ष कलक है, और श्यामनाथ भगवान ने कौन सी कोट से, कौन सी टोक से, संकुल टोक से श्यामनाथ भगवान ने सम्यक शिखर जी से मोक्ष को प्राप्त किया। और श्यामनाथ भगवान का चिन्ह कौन सा है? गेंडा। कई बार मैं विचार करता हूँ कि प्रत्येक भगवान के अलग अलग चिन्ह हैं, किसी का बैल है, किसी का सांप है, किसी का शेर है, किसी का चंद्रमा है, किसी का स्वस्तिक है, किन्हीं का कलश है, किन्हीं का कमल है, लेकिन आज तक किसी भी तीर्थंकर भगवान के चिन्ह मनुष्यों के नहीं हुए। इसका मतलब आज का जो मनुष्य है वह इतना गया बीता है कि वह भगवान के चिन्ह में भी ना पाए। ये बात जब भगवान के सामने समोषण प्रश्न हुआ होगा, मुझे पता नहीं किसी ने प्रश्न किया होगा कि नहीं किया होगा, लेकिन जब भगवान के समोषण में प्रश्न हुआ होगा तो मैं समझता हूँ कि भगवान की दिव्य ध्वनि में यही उत्तर आया था कि चिन्ह उनके बनते हैं जिनमें तीर्थंकर बनने की योग्यता नहीं होती। तुम तो मनुष्य हो, तुम में स्वयं तीर्थंकर बनने की योग्यता है, तो अपनी योग्यताओं को प्रकट करो, क्योंकि आप में से ही तो कोई जीव जन्म लेता है, फिर दीक्षा लेता है, कर्म को काटकर मुक्ति को प्राप्त करता है, तो अपनी योग्यताओं को प्रकट करने का प्रयास करें। तो आज श्यामनाथ भगवान का मोक्षलक महोत्सव है। प्रत्येक तीर्थंकर भगवान का जो चिन्ह होता है उनसे हम पहचानते हैं कि कौन से भगवान कौन से हैं। एक बार हम परिचय करा रहे थे, पंडित जी हमारे साथ में थे, एक साथ में व्यक्ति भी आए थे बाहर से, हमने कहा कि प्रतिमा जी लेकर आओ। अब हमने प्रतिमा जी का नाम बोल दिया उनको, शिमला की बात है, ये शिमला की बात है ना पंडित जी, शिमला की बात है ना। तो मैंने उनसे कहा कि प्रतिमा जी लेकर आओ, नाम बोल दिया भगवान जी का। अब वो पूरे में धुड़ के आगे बोले प्रतिमा जी नहीं है, पूरे में हड़कंप मच गया कि प्रतिमा जी कहाँ चली गई, प्रतिमा जी कहाँ चली गई। प्रतिष्ठा होने के पहले हो सकता है कई बार कन्फ्यूजन में दूसरी आ गई हो। फिर मैंने पंडित जी से दिया आप जाओ, तो वहाँ जाके उनको बोला, बोले प्रतिमा जी ये है। तो उसने धीरे से पंडित जी से कहा, बोले तुझे प्रतिमा के चिन्ह ही नहीं पता, जब चिन्ह पता हो जब तो आएंगे। तो बिचारनी बात है कि आपको 24 भगवान के नाम पता है, बचपन में माता पिता ने याद करा कैसे, ऋषभनाथ का बैल जानो ऐसा कुछ आता था ना सर, आप कहते थे, उसका चिन्ह भी याद होंगे। लेकिन वर्तमान में आज परिस्थिति ऐसी है कि 4, 5, 6, 7 भगवान जी के चिन्ह और नाम सभी को अच्छे से याद हैं, लेकिन बाकी के तो कोई ना कोई तो होगा। यदि किसी व्यक्ति से मैं पूछता हूँ कि बाहुबली भगवान हैं, बाहुबली भगवान उनका चिन्ह क्या है, तो लोग बोलते हैं बेल। अरे भाई चिन्ह तो मात्र तीर्थंकर के होते हैं, अन्य के नहीं होते, लेकिन उनको पता ही नहीं कि बाहुली भगवान कौन है, बस वो तो मंदिर बाहुली भगवान की प्रतिमा है, सो चल रहा है। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि श्यामनाथ भगवान का आज मोक्षलक महोत्सव है। आपने निर्वाण लड्डू को अर्पण किया,
और निर्वाण लड्डू क्यों अर्पण करते हैं कि आज हम भगवान के श्री चरणों में निर्वाण लड्डू अर्पण कर रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे जीवन का भी निर्माण होगा। वहाँ निर्वाण लड्डू प्रारंभ करोगे, चढ़ाओगे और आपके जीवन के निर्माण होंगे, घर का निर्माण होगा, दुकान का निर्माण होगा और सबसे बड़ी बात आपके जीवन का निर्माण होगा। और जब निर्माण होगा तो कभी ना कभी निर्वाण भी हो जाएगा। साथ साथ में आज विष्णु कुमार आदि सात सौ मुनिराज की हम पूजन कर रहे हैं, उनके उपसर्ग के निवारण हेतु 700 श्रीफल से, अभी अंदर जिनसे अत्यालय में 700 कदली फल केले के माध्यम से हमने उनका रिछाया, कई जगह फूलों से जहाँ जैसे मंदिर की व्यवस्था है लोग चढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो 700 फल के माध्यम से उनका उपसर्ग निवारण का हम प्रयास कर रहे हैं। कहानी आपको पता है कि जब राजा बलि ने राजा से राज्य मांगा, पूरी कहानी बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि हर साल आप पढ़ते हो और हर साल मैं सुनाता हूँ, संक्षिप्त में सार समझिए कि राजा बलि ने जब राजा से बलि ने राजा से राज मांगा तो राजा से कहा कि मुझे राज दे दो और राजा ने उसको राज्य दे दिया। और फिर उसने क्या किया, विक्रियादि ने उसने अपने क्या किया कि भाई सारा का सारा उनको क्या किया, मुनि महाराज को लिया और कहाँ पे पेला, बाड़े में उनको घेर लिया और बाड़े में घिरने के बाद पुरुष मेघ यज्ञ प्रारंभ किया। कौन सा यज्ञ, पुरुष मेघ यज्ञ, कि उन्होंने क्या पुरुष मेघ यज्ञ प्रारंभ किया कि मुनि महाराज को मतलब वहां पर बाड़े में रखकर आग लगाना चारों तरफ प्रारंभ कर दी। और जब ये बात हुई हाहाकार मच गया, तो उस समय मुनि महाराज के पास लोग गए और विष्णु कुमार मुनि को आदेश हुआ, उन्होंने विक्रियादि को धारण किया। कई लोग बोलते उन्होंने भेष छोड़ दिया, भेष नहीं छोड़ा था, ध्यान रखना कोई कभी संत अपना भेष नहीं छोड़ता, उन्होंने तो विक्रिया रिद्धि को धारण किया था, मुनियों को रिद्धि होती है। उन्होंने क्या किया, विक्रिया रिद्धि को धारण किया, दोनों तरह के प्रसंग आते हैं तो जैसा आपको समझ में आता है, और विक्रिया रिद्धि को धारण किया और पहला पार कहाँ रखा, सुमेरु पद पर, दूसरा मानुसोत्तर पर्वत पर। क्या किया कि एक यहां रखा, एक यहां रखा और उन्होंने कहा कि बताओ तीसरा पैर कहां रखूं, और बलि के ऊपर रखना उन्होंने प्रारंभ किया और बलि जो है अंदर धसने लगा। उसने क्षमा मांगी और उस समय उन्होंने मुनि ने क्षमा किया और 700 मुनिराज को जो घानी में पेल मतलब उसमें पेल रहे थे उनको बचा लिया। और उस दिन बचाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही उनको बचाया तो हर घर में चौके लग गए। क्या हुआ, हर घर में चौके लग गए, लेकिन महाराज जी कितने थे, 700 चौके थे हजारों, तो बाकी में क्या हो। तो 700 मुनिराज के जिनके घर पे आहार नहीं हो पाए, उन्होंने उन मुनियों के रेखा चित्र को खींचा और वहां पर क्या किया, सेवई की खीर बनाई थी और उसको खिलाने का प्रयास किया। ये किस कब की व्यवस्था थी कि जब आपके नगर में मुनि ना हो, लेकिन उस समय की बात को लेकर आज नगर में मुनि है तो लोग कहते हैं रक्षाबंधन की छूट दे दो महाराज, बाकी पूरे दिन आऊंगा रक्षा। ये कब की छूट थी कि जब आपके नगर में मुनि नहीं है, आपकी कॉलोनी में मुनि नहीं है तो आप ये काम करते हो रक्षाबंधन की। आप देख रहे हो कहां कहां से लोग आके आहार दे रहे हैं और तुम भागे जा रहे हो। ध्यान रखना ये जो राखी आप मनाते हो ना, ये राखी नहीं है, ये जैनागम की राखी नहीं है। जैनागम में तो कहा गया कि सबसे पहली राखी परमात्मा की विधि पर बने, दूसरी जिनवाणी पे बंधे और उसके बाद तीसरी राखी गुरु की बंधे और उसके बाद मंदिर जी से पहले लोग राखी ले जाके भाई बहन बांधते थे क्योंकि वह रक्षा सूत्र होता था। लेकिन अन्य संप्रदाय से राखी आ गई और राखी आने के बाद में इस कदर आ गई कि जो मूल राखी थी उसको लोग भूल गए कि ये परस्पर वात्सल्य का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन था, लेकिन उन्होंने इसको भुला ही दिया। बस यहाँ तो चक्कर ये है कि जो अति आवश्यक है वो व्यक्ति आ रहा है, बाकी घर में लगे हुए। ध्यान रखना अपने भाई की कलाई पर, अपने बहन अपने भाई की कलाई पर जिंदगी भर राखी बांधेगी, लेकिन उसके बाद में भाई की कलाई सुरक्षित रहे, भाई का जीवन सुरक्षित रहे, इस हेतु याचना कहां पे करते हो, देवशास्त्र गुरु के सामने। देवशास्त्र गुरु के सामने याचना करते हो कि हमारे भाई का जीवन अच्छा रहे। भाई अपनी बहन के लिए याचना करता है, याचना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप गुरुओं की पिच्छिका में राखी बांध के देव के वेदी के समक्ष, जिनवाणी के समक्ष राखी बांध कर जाओगे तो अपने आप भाई की कलाई आपकी और उज्ज्वल हो जाएगी। मुझे बताओ जब कोरोना काल चल रहा था, रक्षाबंधन आया था, तो कितने भाई बहन मिलने गए थे एक दूसरे से, गए थे क्या, जाते भी तो पकड़ जाते,
तो उस समय सबको याद आई थी कि हे भगवान, महाराज जी की पिछली घर पे उस पर राखी बांधूं, महाराज जी के पेन पर राखी बांधूं, क्योंकि ये सत्य बात है कि जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है, उसका नाम है रत्नत्रय का दरवाजा, देव शास्त्र गुरु का दरवाजा, कि इनका दरवाजा 24 घंटे 8 याम खुला हुआ। लेकिन हम यही भूल रहे हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार आता था कि रक्षा सूत्र मंदिर जी मानना, वो तो आपने गौण कर दिया। ध्यान रखना, सारे त्यौहार मनाए जाते हैं, हर त्यौहार में कोई ना कोई खुशी का प्रतीक है। दिवाली में दिए जलाते हो, होली में रंग खेलते हो, अक्षय तृतीया को सोना चांदी खरीदते हो, लेकिन रक्षाबंधन का त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बंधन होने के बाद भी त्यौहार है। क्या है? बंधन होने के बाद भी त्यौहार है। तो बंधन किसका है? रक्षा का। पहली राखी गुरु चरणों में बांधी जाती है कि हम हमेशा नियम लेंगे कि देव शास्त्र गुरु की रक्षा करेंगे। चल चल नैनों से बरसे पानी। ओम ह्रीम परम पूज्य श्री आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज, जिनके चरणों में संसार ताप विनाशनाए चंद्रम निपामदी, अर्पण उन्हें कर दिया गुरुवर की वाणी ने, कर्मों का नाश कर दिया। पूज्य बुंदेली श्री गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज, जिनके चरणों में कामण विसाए पुष्प निपामदी सहा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉ एसके जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।